औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सैयद नादिर जासवार आपसे खिताब। नाज़रीन, आज हम फिर बात करेंगे तालीम पर, और तालीम पर हम बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा और ये साबित करने की कोशिश करूंगा कि हमारे सिंध में जो तालीम का निज़ाम चल रहा है उसको मैं आज से नाम दे रहा हूँ कि प्रिंटिंग प्रेस छपाई एजुकेशन निज़ाम, यानी कि छपाई एजुकेशन सिस्टम। पहले जब बच्चा जाता है पहली क्लास में, उसको जब किताब थमाई जाती है तो उसे जब किताब जो लिखा होता है वही उस्ताद लिख के देता है, यानी कि अपनी तरफ से कोई भी दूसरी चीज़ें, यानी अखलाकियात और ये चीज़ें नहीं होती, उस्ताद वही लिख के देता है। पाँचवीं जमाए तक उस्ताद जो बुक्स में लिखा होता है वही बोर्ड पर उतार देता है, और बच्चा भी वही नोटबुक पर नोट कर लेता है। और फिर पर्चे हो ना हो, कभी ये पॉलिसी आती है कि बच्चों को प्रमोट कर दे, कभी ये पॉलिसी आती है बच्चों को ये कर दे, बच्चों को जो है आप ऐसे ही पास कर दे। फिर छठी, सातवीं, आठवीं और नवीं जमात में, वहाँ तो बड़ी प्रिंटिंग प्रेस जो है वो बड़ी है, क्योंकि वहाँ चैप्टर जो है वो ज़्यादा होते हैं, फिर बायोलॉजी, जूलॉजी और फिज़िक्स, ये सारी चीज़ें जो उनकी भी छपाई होती है बुक की। बुक भी छप के आए, उस्ताद बोर्ड पे खड़ा हुआ 40 मिनट 45 मिनट में जितना लिख सका उसने लिखा, और वही चीज़ें जो वो बच्चे ने लिखी। बच्चे ने जब वो चीज़ें लिख ली तो बच्चे के पास जो तालीम आए, जो इल्म आया, वो छपाई वाला है, जो प्रिंटिंग प्रेस में छप के आ गया, बोर्ड पर उतरा, फिर बच्चे ने छाप दिया। ये छाप छाप में फिर ये हमारे निज़ाम में नतीजा ये निकलता है कि जो इम्तहानात होते हैं उन इम्तहानात में जो चीज़ें चल रही हैं, तो बच्चा, जाहिर सी बात है, ये चीज़ें आपने उसको मोटिवेट ही नहीं किया, आपने उसकी मेमोरी रिफ्रेश की नहीं है, आपने उसको तालीम के जो मकसद है वो सिखाया नहीं, आपने इंटरनेशनल वैल्यूज़ और अखलाकियात सिखाया नहीं, तो बच्चा भी फिर छपाई करेगा। छपाई कैसे करेगा, यानी कि नकल करके उस्ताद के आगे सब सेंटर होंगे, फिर उसी को छापेगा जो प्रिंटिंग प्रेस ने छापा, फिर उसके हाथ से होकर आया स्कूलों में, स्कूलों के बाद फिर ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के बाद फिर नोटबुक, नोटबुक के बाद फिर जो नोट्स होते हैं, और जो हम कहते हैं कारतूस, कारतूस यानी कि जो बाहर फोटो स्टेट में मिलते हैं, उसको बच्चे को ये नहीं पता होता है कि इसका सवाल का जो है ए कहाँ है और बी कहाँ है, और मैथमेटिक्स के कोई भी जो है सॉल्यूशन उसको, या फिज़िक्स का, या इन चीज़ों के बारे में कोई इल्म नहीं होता, हम कैसे साइंसदान पैदा करेंगे जब हमारे पास छपाई सिस्टम है, तजर्बे का ही नहीं है, साइंस नाम ही तजर्बे का है। कोई किसी अनपढ़ को आप तजर्बे करा दे, आप उसको सिखा दे ये वायर यहाँ लगेगा, या आप उसको बता दे इस चीज़ से ये होता है, इस चीज़ से ये होता है, तो वो भी सीख जाएगा। मगर हम ये कहते हैं कि साइंस को भी छाप देते हैं, तो छापने के बाद हमारे मुल्क में कितने साइंसदान पैदा हुए, ये खुद सवाल हमें ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो हमारे तालीम निज़ाम में जो प्राइमरी में बच्चे होते हैं, 100 बच्चे, दो उस्ताद, वो बच्चे ऐसे रश करके बैठे होते हैं, तो चार चार बच्चे करके, पांच पांच बच्चे करके उस्ताद बुलाता है टेबल, किसी को अलफ लिख के दिया, किसी को बे लिख के दिया, इस तरह जो है 12 महीने सिस्टम चलता है, 52 अल्फ़ाबेटिक है सिंधी में, उर्दू इंग्लिश में 26, और उर्दू में भी कम है। असल में बात यह है कि हमारे पास जो आज़ादी से पहले निसाब था, तो कराची में कोई उर्दू स्कूल नहीं था, कोई इंग्लिश स्कूल नहीं था, सारे जो थे वो सिंधी मीडियम स्कूल थे, और अंग्रेज़ ने ख़ुद इस सिंधी ज़बान को जो वो कौमी ज़बान कर देता था। अलग सूबों में अलग ज़बानें बोली जाती है, जो बच्चा अपनी मदर टंग में सीखेगा वो दूसरी ज़बानों में नहीं सीखेगा। हम अंग्रेज़ के पीछे ऐसे पड़ गए, सेंटर खुल गए, अमेरिकन सेंटर, ये किया, ये कर दिया, रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि फेल्यूर है। फेल्यूर कहाँ है, हमारे निसाब में, हमारे निज़ाम में। इसलिए
मैं ये जरूर समझता हूँ कि सारे सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। इस बात में कोई मेरी गलती हो, इस बात में मैंने कोई गलत बयान किया हो, तो जाहिर सी बात है आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, मुझे बताइएगा, मुझे समझाइएगा कि मैं गलत हूँ, मेरी गलती होगी तो मैं आने ही आगे ज़रूर आप सबसे माफ़ी मांगूंगा। बाकी मैं निजात चाहता हूँ जिस छपाई सिस्टम से, हमारे बराबर में जो चाइना इसकी एजुकेशन बांग्लादेश की वो कंपेयर नहीं करते, मगर जापान के आखिरी मिसाल दे के मैं प्रोग्राम पेंट करूँगा। वहाँ 3 साल बच्चे को जो सिर्फ अखलाकियात सिखाई जाती है, जो बच्चा 3 साल अखलाकियात सीखेगा उसकी एजुकेशन लेवल पे आप अंदाजा नहीं लगा सकते, उसमें क्या बदलाव आएगी वो अंदाजा नहीं लगा सकते। खुदा के लिए इस तैलीम को, इस मुल्क को बचाने के लिए अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी ले। आप बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे किसी और भी इलाके के साथ।